दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पेपर थर्ड का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशंस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे एक सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएँ, प्रकृति, इसके घटक तत्व, उद्देश्य और इसकी महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आसान से शब्दों में पहले समझ जाते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपने विचार, अपने मैसेज, अपने संदेश को एक दूसरे से आदान प्रदान करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। हम एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक दूसरे का कम्युनिकेशन है। फ़ोन से बात करना ये भी कम्युनिकेशन है, मैसेज से बात करना ये भी एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब आपस में आदान प्रदान करना विचारों का, व्यवहारों का, अपने संदेशों का, आपस में आदान प्रदान करना, एक्सचेंज करना। अब आइए देखते हैं कि लिखित भाषा में इसको कैसे लिखा गया। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो भी मैसेज हमें प्राप्त हुआ उसको समझने में और प्रेषण करना मतलब ट्रांसफर करना, किसी और तक पहुंचाने में सहयोग करता है। कौन सा भाई? कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण। तो संप्रेषण क्या हुआ? व्यक्ति के अंदर ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा द्वारा विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक है, और इसे समझ के सही अर्थों में बताना और दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, मुख मुद्रा। चलो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि हाव भाव के द्वारा हम बातों को बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। मुख मुद्रा का मतलब क्या होता है? अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा शरारती कर रहा है, तो कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं, वो ऐसे गुस्से वाला मुंह बनाते हैं, मतलब गुस्से वाला, बच्चे को लग जाता है कि मैम गुस्से में है और वो शांत हो जाता है। तो आपने मुख मुद्रा के द्वारा कम्युनिकेशन किया, मुख मुद्रा के द्वारा अपने संदेशों को वहाँ तक पहुँचाया, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का भाग होता है, संप्रेषण का ये भी एक प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब इसी चीज को इंग्लिश में बात कर लेते हैं दोस्तों। सेम चीज को इंग्लिश में लिखा गया है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल एक्सचेंज देयर नॉलेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। इन दिस वे द आइडियाज और मैसेज रिसीव्ड आर यूज टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसमिट देम इन अ राइट सेंस। तो क्या है भाई, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच पीपल एक्सचेंज देयर नॉलेज, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड आइडियाज। तो क्या है, शिक्षा और ज्ञानों का आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है भाई, संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब एक चीज देख लेते हैं, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है। कई कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना, वस्तु से साझा करना या हिस्सा बांटना। तो संप्रेषण भाषा कम्युनिकेशंस का हिंदी रूपांतरण है, या लैटिन भाषा के कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ है आपस में बांटना, किसी वस्तु से साझा करना या हिस्से में बांटना। कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिको विच मीन्स टू शेयर अमॉन्ग देमसेल्फ और टू शेयर विथ एनी डिवाइस। यहाँ पे किसी वस्तु से साझा करना का मतलब कंप्यूटर के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है, तो हम कंप्यूटर इंटरनेट कम्युनिकेशन कहते हैं, मोबाइल के द्वारा हम साझा करते हैं, तो ये भी चीज़ें क्या होती है, कम्युनिकेशन होती हैं। तो कम्युनिकेशन का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ दे कि कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संप्रेषण संप्रेषण कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, इसको लैटिन भाषा के कम्युनिको से दिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांटना, साझा करना या हिस्सा देना, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का शाब्दिक अर्थ, यानी कि लिटरल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ। अब थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, विद्वानों के द्वारा इसको कैसे परिभाषित किया गया। आप चीज़ों को समझ जाइए कि संप्रेषण क्या है, विचारों और तथ्यों का आपस में आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है, और इसी चीज़ को सारे विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में लिखा है। जैसे कि न्यूमर एवं समर के अनुसार, संप्रेषण एक एवं दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सभाओं अथवा भावनाओं का आदान प्रदान है। मैंने कहा ना, वही चीज़ें रिपीट होंगी अलग अलग शब्दों में। अकॉर्डिंग टू न्यूमर एंड समर, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, गैदरिंग और फीलिंग बिटवीन वन और मोर पर्सन। बात वही बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं कि थियो हैमन ने इसको कैसे प्रभाषित किया था। तो संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर अकॉर्डिंग टू हैमन। ओके, हैमन के द्वारा। तीसरा देख लेते हैं दोस्तों,
कीथ डेविस के अनुसार क्या हुआ, संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन ईच अदर। मतलब आपके सूचना का, आपके विचारों का, आपके तथ्यों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप स्वयं का परिभाषा लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी नाम होगा लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फलाना एंड ढिमकाना। सूचना संप्रेषण क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। आसान शब्दों में समझ जाइए। अब आइए इसकी देखते हैं, इसके तथ्य क्या, इसके घटक कौन से होते हैं, इसके तत्व कौन से होते हैं। तो जहां भी सूचना संप्रेषण की बात होगी, जहां भी कम्युनिकेशन की बात होगी, ये पांच पॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, सबसे पहले एक मैसेज, आप कौन सा मैसेज है, वह जानकारी जिसका आदान प्रदान किया जाए, तो ये वहां पे घटक होगा, ये वहां पे मौजूद होगा। दूसरा सेंडर, मतलब कौन सा प्रेषक, ठीक है, जो बंदा मैसेज को डिलीवर कर रहा है उसको हम सेंडर कहते हैं, प्रेषक कहते हैं, ठीक है, तो वो भी वहां पे होंगे, वो भी इसके घटक होंगे। तीसरा माध्यम, किस माध्यम में आप सूचना को एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, लिखित माध्यम से, मौखिक माध्यम से, फेसियल माध्यम से, किस माध्यम से आप कह रहे हैं, इशारों के माध्यम से, तो एक माध्यम वहाँ पे जरूर होगा जब भी सूचना का आदान प्रदान होगा, जब भी सूचना का कम्युनिकेशन होगा। प्राप्तकर्ता होगा, रिसीवर होगा जो सूचना को प्राप्त करेगा। एक होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब नियमों का समूह होता है जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, एक नियमों का समूह जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। तो जहां भी संप्रेषण की बात होगी, कम्युनिकेशन की बात होगी, ये पांच घटक वहां पे मौजूद होंगे, ये पांच तत्व वहां पे मौजूद होंगे। कौन कौन सा, पहला सूचना, दूसरा प्रेषक भेजने वाला, तीसरा माध्यम जिस माध्यम से भेजा जाए, चौथा प्राप्त करने वाला, और पांचवा प्रोटोकॉल। उम्मीद है दोस्तों चीज़ों को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो संप्रेषण या संचार का उद्देश्य क्या है भाई, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्रियाओं का आदान प्रदान, ठीक है, संप्रेषण और संचार का उद्देश्य क्रियाओं का आदान प्रदान है। दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस, यहाँ पे क्रियाओं का समन्वय, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा है, वो है सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप ये लिख लीजिएगा। दूसरा है दोस्तों क्रियाओं का समन्वय, जो भी काम हो रहा है उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है, एक अगर टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो इन क्रियाओं के बीच एक संबंध बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, इसके लिए भी हमें संप्रेषण कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कार्यवाही, जो कार्य कर रहे हैं वो सुचारू रूप से चलता रहे, एग्जीक्यूशन बना रहे, अगर कोई बॉस अपने ऑफिस के एम्प्लॉय से काम ले रहा है तो उसका उससे कम्युनिकेशन करना जरूरी है, तभी उसके कार्य क्या होंगे, कार्रवाई चालू रहेंगे और वो चलते रहेंगे। दूसरा भ्रमों को हटाने के लिए, भ्रमों को हटाने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, वरना समाज में, संबंधों में, रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा भ्रम और अफवाह फैला दिए जाते हैं। तो जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से संप्रेषण करेंगे, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और जो भी अफवाह और भ्रम है वो सारी दूर हो जाएंगी। रिमूविंग इल्यूजन, ठीक है, नीतियों को लागू करने के लिए, कोई सरकार की नीति है, कोई परिवार की नीति है, सब पे लागू करने के लिए भी क्या है, संप्रेषण बहुत आवश्यक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, अभिप्रेरणा, मोटिवेट करने के लिए भी संप्रेषण बहुत जरूरी है। तो संप्रेषण और कम्युनिकेशंस का एक और उद्देश्य है कि लोगों को मोटिवेट करें, ठीक है, बच्चे आके एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनसे मोटिवेट कर दिया जाए, उन्हें कम्युनिकेशन कर दिया जाए, तो वो बच्चे और अभिप्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारे 6 बिंदु उद्देश्य, ठीक है, कभी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स को यहां पे कवर अप कर दिया है। अब बात करेंगे इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले संप्रेषण दोहरी क्रिया है, दोहरी क्रिया का मतलब संप्रेषण सूचना को भेजना भी है और सूचना को समझना भी है। अब मान लीजिए बात करना और कम्युनिकेशन करने में क्या फर्क है, ठीक है, बोलने में और कम्युनिकेशन में, अगर मैं बोल रहा हूं आप बस सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्पीकिंग, ठीक है, ये बात करना हो गई, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन। इसीलिए संप्रेषण एक दोहरी क्रिया है जिसमें सूचना को पहुंचाने के साथ साथ समझना भी अनिवार्य होता है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का आधार है, बिना कम्युनिकेशन के आप मोटिवेट नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन मोटिवेशंस का बेस बताता है, अभिप्रेरणा का आधार होता है। संप्रेषण एक प्रवाह है, प्रवाह का मतलब ये हर एक दिशा में चलने वाली है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह होने वाली बात है, इसके अंदर प्रवाह की बात होती है, ठीक है। पांचवा है दोस्तों संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक लोग, हर एक देश के लोग ये करते हैं।
संप्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों है। संप्रेषण क्या है, साइंस भी है और एक आर्ट भी है, अच्छे से कम्युनिकेट करना एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। सातवां दोस्तों, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है, संप्रेषण इज अ सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, सॉरी प्रोसेस। तो संप्रेषण एक कम्युनिकेशन क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। उम्मीद है दोस्तों चीजों को समझ में आ रही होगी। लास्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है मगर इंपॉर्टेंट भी है, वो है संप्रेषण संचार का महत्व उपयोगिता। तो क्या आवश्यकताएं हैं कम्युनिकेशंस की, आप चाहे आवश्यकता कह लीजिए, इसकी महत्व कह लीजिए, इसका उपयोग कह लीजिए। तो संप्रेषण की पहली आवश्यकता है भाई कि व्यवसाय को सुचारू एवं कुशल संचालन हेतु, ठीक है, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, बिजनेस को और अच्छे से चलाने के लिए। दूसरी इसकी महत्व और उपयोगिता और आवश्यकता ये है कि एक नेतृत्व मतलब प्रभावपूर्ण नेतृत्व हेतु, बेस्ट लीडर, अफेक्टिव लीडर। आप देखिए जो भी बेस्ट लीडर होंगे ना उनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी, लोगों से बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। तो एक प्रभावपूर्ण नेतृत्व के लिए भी संप्रेषण कम्युनिकेशन आवश्यक होता है, एक अफेक्टिव लीडर के लिए। दूसरा भाई प्रबंधकीय कुशलता, मैनेजमेंट की कुशलता में वृद्धि के लिए। आप अगर अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो आपकी प्रबंधक क्षमता और अच्छी होगी, आपकी मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी होगी। चौथा है दोस्तों योजना में सहायक, प्लानिंग करने में सहायक होता है। पांचवा जनसंपर्क में सहायक, तो सूचना जनसंपर्क में सहायक, आपके बोल मीठे होंगे, आपसे लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो जनसंपर्क में भी सहायक होता है कौन सा, कम्युनिकेशन। शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वित, आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं और उसे जल्दी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे से वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की गई। आपको बताया गया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या उपयोग है। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि इसकी नेचर क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्राकृतिक और इसकी विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ आपने इसका उद्देश्य जाना, एम और ऑब्जेक्टिव जाना, और साथ ही साथ इसके घटक और तत्व कौन से हैं ये भी जान गए, और आपने इनकी तीन परिभाषाएँ देखी और इसका शाब्दिक अर्थ समझ लिया और इसके अर्थ के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली। तो एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकता है, संप्रेषण या कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, अर्थ एवं परिभाषा पे प्रकाश डालिए, या फिर अर्थ और परिभाषा के साथ आपके इसके उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, इसके घटक और तत्व भी पूछे जा सकते हैं, इसकी प्राकृतिक और विशेषताएं, इसके ये हैं उद्देश्य और इसके प्राकृतिक और विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, और साथ ही साथ इसकी उपयोग और आवश्यकता भी पूछी जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों संप्रेषण, एक छोटी सी वीडियो में हर एक जानकारी आपको यहां से मेरे द्वारा दी गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट में आपके आकर मैसेज करना ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी एक संप्रेषण है जो मुझे मोटिवेट करेगा, जो मुझे अभिप्रेरणा देगा आगे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप जरूर कम्युनिकेशंस करेंगे, कमेंट में आके बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, प्लीज़ अपने एक दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।